नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिनों पहले एक हमारे व्यूअर हैं, उनका कमेंट था कि सर मिलिंग मशीन पे जो फीड लगा के कैसे चलाते हैं उसके विषय में कुछ बताएं। तो आज उन व्यूअर के लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि फीड कैसे चलाते हैं, जो तरीका है क्या, कहाँ से लीवर चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखा दूँ। तो आइए चलते हैं सीधा मिलिंग मशीन पर। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मिलिंग मशीन पर और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमारा वो लीवर वगैरह है। तो जैसा कि आप देखेंगे, अभी मैंने इसको चालू किया है तो ये नॉर्मल पोजीशन में एक जगह अपने है, लेकिन अब क्या है कि जब हम इसको फीड में डालेंगे तो ये हमारा मूवमेंट करके नीचे आएगा, ठीक है, और फिर जब हम इसको करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अप डाउन यानी कि ये बोर करे, जैसे कि हम लेथ मशीन पर करते हैं तो बांध देने के बाद फिर हमारा फीड उठा देंगे तो हमारा बोरिंग बार होता है, उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी बोर कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि जो नए लड़के हैं उन्हें नहीं पता है, जो पुराने उन्हें तो काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज है, लेकिन उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि उनका ये जो डाउट हो। अब देखिए, जब हम फीड चलाएंगे ना तो ये हमारा अपने आप करेगा, जैसे अभी हमें इसे मैनुअली घुमा रहा हूँ, इसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो अप डाउन करा है, लेकिन जब हम फीड लगा देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही घूम के नीचे को आएगा। तो लगाते कहाँ से हैं, फीड कैसे है, वो मैं आपको दिखा दूँ आप पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मिलिंग मशीन में काफ़ी लीवर है, ये है, ये सब कई तरीके के हैं, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था कि इससे आप डबल कर सकते हैं, तो अब ये कहाँ से हम इसको करेंगे ताकि ये हमारा फीड चले, तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप नोटिस करिए, इसके बगल में ही आपके यहाँ पे एक लीवर और है जो कि आपके फीड चलाने में काम आती है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको ऐसे हल्का सा खींचेंगे और खींचने के बाद इसको आप अच्छे से इधर दूसरे वाले होल में ले आके लॉक कर देंगे। तो अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये आपका फीड लग गया, ठीक है। अब फीड लगने के बाद अब जब हम ऑन करेंगे ना तो ये हमारा चलेगा, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मली चला के देखते हैं, जैसे अब हमने ये ऑन कर दिया लेकिन ये अभी भी हमारी फीड नहीं चल रही है, तो मैं वो आपको दिखा देना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देखेंगे, देखिए मैंने मशीन ऑन किया ना ये, लेकिन ये हमारा अपने जगह पे है और ये हमारा फीड घूम रहा है, आप ठीक से देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा हो ये घूम रहा है, लेकिन ये वाली हमारी साइड वाली फीड अभी भी मैनुअली हम चला रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए नीचे यहाँ पे एक लीवर सा दिया हुआ है, जब आप इसको ऐसे डाउन करेंगे ना, ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे तब ये चलना शुरू होगा। किधर से चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कहाँ घूमेगी, आप देखिए ये घूम रही है, आप शायद नोटिस कर पा रहे होंगे, वो चल के ऊपर को आ रही है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पे, बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो बेनिफिट में रहिएगा। देखिए ये भी हमारा मूव कर रहा है और ये हमारा नीचे को आ रहा है, और ये देखिए हमारा हैंडल अपने आप मूवमेंट कर रहा है, देखिए। अब आप अगर इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। जो स्पीड बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करना है, तो जैसे कि आप स्टार्टर में देखते हैं हाई और लो फ्लो चलता है, तो इसको आप यहाँ बढ़ाइए और देखिए अब हमारा काफ़ी स्पीड में घूम रहा है और ये भी हमारा काफ़ी स्पीड घूम रहा है। और जब आप इसको ऐसे खींचेंगे ना तो देखिए हमारा, अब जो आप हैंडल नोटिस कर पा रहे होंगे वो थोड़ा सा तेज़ी में घूम रहा होगा, ये देखिए ये अब मैनुअली नहीं, ये अब फीड के ऊपर घूम रही है, और कितनी तेज़ी में घूम रही है, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका डाउट और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ऐसा पाइप का टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और लिया। पाइप बांधने के बाद अब जब हम इस मशीन को ऑन करेंगे ना, यहाँ मशीन देखिए अब हमने ऑन कर दिया, तो अब मशीन ऑन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारी फीड घूम रही है, ठीक है, ये फीड घूम रही है और ये हैंडल हमारा अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो अब जो मैं ये यहाँ पे आपको लीवर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये लीवर जैसे हम इसको दबाते हैं और यह लॉक करने का भी सिस्टम है इसमें, तो आप ऐसे यहाँ पर इसको हाथ से अगर चाहें थोड़ा थोड़ा चलाना तो भी चला सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं आपकी ऊपर है। तो अब देखिए मैं जब इसको करूँगा ना तो ये जो हमारा ड्रिल होगा ये इसके अंदर को जाएगा, आप देखिए नोटिस करिएगा यहाँ पर, ये देखिए मैंने लीवर को लगा दिया, लीवर लगाने के बाद और ये अब हमारा ड्रिल अंदर को जा रहा है, यानी कि ये अगर आप इसमें टूल बांधेंगे तो ये बोर करेगी, ठीक है। आपको जो भी साइज बनाना होगा आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, ये देखिए चल रही है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल है, एक लीवर मैंने चेंज किया और फीड लग गई, और कहाँ से हम आगे पीछे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से फीड चलेगी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ऐसे आप भी अपने कंपनी वर्कशॉप चाहे जहाँ भी काम करते हैं करिए, और
हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।